Hello friends, I Susanta. Welcome you all to class 9 geography chapter number 4. You are continuing climate. Okay, so today we'll start from the summer season, the hot weather season, isn't it? Surya ke uttar ki or abhasi gati ke karan bhumandaliya tap patti uttar ki taraf ye khisak jati hai. March se mai tak bharat mein ग्रीष्म ऋतु होती है. ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता. मार्च में दक्कन पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है. अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है. मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है. प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है. देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है. मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के जो हम कहते हैं रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोट नागपुर जो पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है. पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है. लू, सुने हो लू? लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है. ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन होती है जो कि दिन के समय भारत के ऊपर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ये चलती है. कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है. इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है. उत्तरी भारत में मई महीनों के दौरान सामान्यतः धूल भरी जो अंधियां ये होती हैं. ये जो अंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा ये लाती है. इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है जिसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है. बैसाख के महीने इसमें होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है. हम सुने हैं ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है. इसके कारण आम जल्दी तक ये पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, एडवांसिंग मानसून, इसको कहते हैं द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन. जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है. यह दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है. ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों के जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये उत्पन्न होती है. चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में ये नमी लाती है. ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत वेग से ये चलती है. सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती है. दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में जो अंतर्वाह इसके मौसम के पूरी तरह परिवर्तित कर देती है. मौसम के प्रारंभ से
पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में ये वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित जो मसिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, पता है आपको, क्योंकि डेजर्ट है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है, तथा हिमालय की नदियों के जो पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों इसमें विनाशकारी बाढ़ आती हैं एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार यह होता है। मानसून को इसकी जो अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। ये जो शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है, इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय जो अवस्थित या जो कि नहीं कहते हैं अव्यवस्थित होता है, देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो फिक्सेशन। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अब जो कहते हैं अव्यवस्थित कर देता है। सो डियर फ्रेंड, दिस मच इज ऑल अबाउट द डे। वंस अगेन वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। इन दैट टेक केयर ऑफ स्टडीज। थैंक यू।